गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 4 दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो इसके अंदर आपने देखना है कि जिस तरह से फूड है, फूड किस किस चीज से मिलकर बना हुआ था, इंग्रेडिएंट 1 एंड 2 जो आपने पहले देखा था फर्स्ट चैप्टर में। अब इसी के सिमिलर मैनर में जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसी थिंग है जो मेड, जो बने हुए हैं, किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, 1 और मोर मटेरियल से। तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऐसी थिंग है, इज ए थिंग दैट इज मेड अप ऑफ 1 और मोर मटेरियल। ओके, तो इसके अंदर आप क्या देखोगे कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम अपने आसपास अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, चौक हो गया, सोफा हो गया, अलमीरा हो गया, तो ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट्स। क्या है ये सभी, ऑब्जेक्ट्स। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड अप ऑफ 1 मटेरियल, एग्जाम्पल चेयर, चेयर जो है केवल एक ही मटेरियल से बनी हुई है और वो क्या है, वुड, लकड़ी। और जो ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, ऑन द अदर हैंड जैसे पेंसिल की बात करें तो पेंसिल के अंदर रबर भी लगी होती है, मेटल भी होता है, वुड भी होता है और ग्रेफाइट भी होता है। तो पेंसिल क्या है, कई मटेरियल से बनी हुई है। तो यहां से आपको क्या हो गया, क्लियर, ऑब्जेक्ट। मटेरियल क्या है, मटेरियल इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। मटेरियल क्या है, मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर जो मटेरियल है इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। तो यहां से आप क्या देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, पेंसिल, और मटेरियल्स उसके अंदर कौन कौन से लिए गए हैं, रबड़ हो गया, मेटल हो गया, वुड हो गया और क्या हो गया, ग्रेफाइट। ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया टेबल, चेयर, तो वो किस किस चीज से बनी हो सकती है, वुड से, प्लास्टिक से और आयरन से। शूज किस चीज से बने हो सकते हैं, लेदर से। पेन किस चीज का हो सकता है, प्लास्टिक का, और वो किस चीज का हो सकता है, मेटल का। ठीक है यहां तक। तो जो गिवन मटेरियल है उसको यूज किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। मटेरियल है वुड, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चेयर, टेबल, बेड, डोर, फ्लोर, ये काफी हो जाएंगे मटेरियल्स के जो ऑब्जेक्ट हैं। लेदर है वो क्या होगा, बैग, शूज, जैकेट्स। ग्लास की बात करें तो क्या होगा, मिरर है, बीकर है और टेस्ट ट्यूब। बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं मटेरियल्स की, दे आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स इन प्रॉपर्टीज के आधार पर जो मटेरियल्स की बताई गई है उनको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो टी है या कॉफी कप है, वो हमेशा क्ले का या प्लास्टिक मटेरियल का यूज बनाया जाएगा, बिकॉज इसका पर्पज क्या है, लिक्विड को होल्ड करना। एंड इफ वी ट्राई टू मेक अ कॉफी और टी मग विद अ क्लॉथ मटेरियल, तो वो क्या होगा, क्या जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, वो उस लिक्विड को एबल है होल्ड करने के लिए, तो आपका क्या होगा, आंसर नो। तो इसलिए जो टी है और जो कॉफी कप है वो किस चीज के लिए बने होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल के, या फिर वो किस चीज के बने होते हैं, क्ले के। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की वो कौन कौन से होंगी, अपीयरेंस है, हार्डनेस हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी होगा, फ्लोट होगा या सिंक, फ्लोट होता तैरना, सिंक होता है डूबना, और क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपीयरेंस की, कि जो मेटल है वो किस तरह का अपीयर हो रहा है, शाइनी है या लस्टरस है उसके। वो मेटल जो है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन होगा, कॉपर होगा और एल्यूमिनियम।
और जो डल होंगे वो शाइन नहीं करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा डलनेस के केस में, वुड हो गया और ये प्लास्टिक हो गया। अगर हम बात करते हैं हार्डनेस की, हार्डनेस के अंदर क्या होगा, जिस मटेरियल को कंप्रेस करना वेरी डिफिकल्ट है, जैसे मान लो इसको कंप्रेस क्या हम कर पा रहे हैं, तो क्या कहोगे आप, नहीं। तो इसको कंप्रेस करना कैसा है, डिफिकल्ट है, स्क्रैच खींचना डिफिकल्ट है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, आयरन होगा, वुड, स्टोन और क्या हो जाएगा, ग्लास। दूसरी तरफ सॉफ्ट मटेरियल्स कौन से हो जाएंगे, सॉफ्टनेस के अंदर क्या आ जाएगा कि जिनको कंप्रेस करना, दबाना जिनको इजी है, स्ट्रेच करना खींचना आसान है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉटन है, स्पंज है, रबड़ है और क्या हो जाएगा, वुल। आगे बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, घुलनशीलता। सॉल्युबल जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस वे आएंगे इसके अंदर जो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे या डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर। जैसे वाटर के अंदर आप साल्ट डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइमिंग के बाद डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्ट है, शुगर है, लेमन जूस है, ये क्या है, इसके अंदर सॉल्युबल है, मीन्स उसके अंदर क्या है, ये घुलनशील है, घुल सकते हैं। दूसरी तरफ बात आती है इनसॉल्युबल की। इनसॉल्युबल का क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर है कि वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रहे। सब्सटेंसेस दैट डू नॉट मिक्स विद द वाटर एंड डू नॉट अपियर इवन आफ्टर स्टे ओवर ए लॉन्ग टाइम। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, सैंड हो गया और ए ऑयल हो गया। तो हम देखते हैं फ्लोट और सिंक, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की जो हम स्टडी कर रहे थे मटेरियल्स की। तो जो फ्लोट होता है, फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना। सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना, मीन्स वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो फ्लोट करेंगे और सिंक करेंगे वाटर के अंदर। जो मटेरियल्स लाइटर हैं, लाइटर का मतलब कौन से हो जाएंगे, जो हल्के हैं, जैसे पेपर है, लीव्स हैं, वुड है, ये फ्लोट करेंगे, मीन्स क्या करेंगे, ये सरफेस ऑफ वाटर पर तैरेंगे। और दूसरी तरफ जो है हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक दोज मेड फ्रॉम आयरन, जो आयरन से बने हुए हैं, या स्टोन है, पत्थर है, वो क्या करेंगे, सिंक करेंगे। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर जो मटेरियल्स की, किस टाइम पर वे फ्लोट करेंगे और किस टाइम पर वो तैरेंगे। तो फ्लोट कब करेंगे, जो लाइटर मटेरियल्स हैं, जैसे जो हल्के मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक हो गया, लीव्स हो गया, वुड हो गया, ये सरफेस ऑफ वाटर पर पानी की सतह के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देंगे। जबकि जो दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैवियर हैं, जो आयरन से बने हुए हैं या स्टोन के पीस से बने हुए हैं, वो क्या करेंगे, इसके अंदर सिंक करेंगे। सिंक करेंगे का मतलब क्या है, वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें कि जो मटेरियल्स हैं जो सोल्यूबल हैं इन वाटर में, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया और क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। तो ये क्या है, सोल्यूबल है। सोल्यूबल का मतलब क्या हो गया, ये घुलनशील है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। अगर ये पूछे जाए कि उनके नाम बताओ, उन मटेरियल्स के नाम बताओ कि जो इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, सैंड हो गया, आयरन फिलिंग हो गया और क्या हो जाएगा, चॉक पाउडर। अगर आपसे डिस्टिंग्विश पूछा जाए बिटवीन सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के अंदर, तो सोल्यूबल का आप क्या बताओगे, जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में वो क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल, और जो डिजोल्व नहीं होते वाटर में वो क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं कि जो मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, अगर इनके एग्जांपल्स पूछे जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है और आयरन। तो ये किन के एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, कौन कौन से हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और आयरन। तो यहाँ पर आपने ये क्या देखा कि इनको मटेरियल्स को किस टाइप से इनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, किस आधार पर उनको बांटा गया है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैटेगरीज में किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, ओके। तो अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग जो मटेरियल्स को ब्रॉडली डिवाइड किया गया है थ्री कैटेगरीज में, व्हाट इज, फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड इज ओपेक एंड थर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट।
ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंट के अंदर वो क्या आएगा, कौन से सब्सटेंसेस आएंगे जिनके अंदर चीजों को आसानी से देखा जा सकता है। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी इजीली डिफरेंट थिंग्स कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट। एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लास, वाटर, एयर और कुछ तरह के क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक। जब हम बात करते हैं ऑपेक की तो इनके अंदर जो मटेरियल्स है वे आएंगे जिनके अंदर हम एबल नहीं है चीजों को देखने के लिए। मटेरियल्स जिसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, वुड है, मेटल है, प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड एटसेट्रा। आगे हम बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट की, देन लास्ट इज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। इनके अंदर वे मटेरियल्स आएंगे जिनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है वो इजिली सीन जो है हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं होंगे, कि जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई तो देंगे लेकिन वो क्लियर नहीं दिखाई देंगे, मतलब ये कैसे होंगे, धुंधले अपीयर होंगे। एग्जांपल क्या हो गया, बटर पेपर हो गया, ऑयली पैचेस हो गए पेपर के ऊपर। तो आपने यहाँ पर देखा कि अलग अलग जो मटेरियल्स के बारे में आपने स्टडी किया, सॉर्टिंग जो है मटेरियल्स को डिवाइड करना क्यों जरूरी है, ये इट इज कन्वीनियंट बनाता है ये, ताकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी किया जा सके और इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर इनके जो पैटर्न है उनको ऑब्जर्व किया जा सके। जैसे किचन के अंदर रखते हैं आइटम्स जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर रखे जाते हैं, ताकि वे बिना ओपन करे बाहर से अपीयर हो जाए कि उनके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो उसके अंदर जो बुक्स को है वो एक सिस्टम से, एक ऑर्डर से अरेंज किया जाता है। तो ये जो चैप्टर था आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।